हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के बारे में। एक डाउट आ रहा है आप सभी का और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉप ऑफ राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हो, काफ़ी मैंने बताया हुआ है, तो जो लोग अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, अगर जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो शायद ही उनको पता होगा। और मतलब क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, मैंने रिप्लाई भी काफ़ी लोगों का किया, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ मॉप ऑफ राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मॉप ऑफ राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको शेड्यूल को डाउनलोड कर लेना है। जो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का वेबसाइट खोलेगा ना, WBCAP.in वाले वेबसाइट खोलेगा, ऊपर में ही स्लैश करते आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मॉप ऑफ राउंड शेड्यूल आ चुका है, मैंने शेड्यूल से रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल में बात किया। अगर वो वीडियो देखना है तो डेफिनेटली आप देखो, क्योंकि उसमें क्या है कि मॉप ऑफ राउंड कब से स्टार्ट हो रहा है वो मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल अगर आपको डाउनलोड करना है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, आपको शायद अच्छा से दिखे। ये मैंने ऑलरेडी बोल रखा है 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा मॉप ऑफ राउंड। ठीक है, 17 तारीख तक चलेगा। और इसमें क्या है कि जो लोग जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि 8 तारीख को ही आपका कोर्सेज वाइज, आपका कॉलेजेस वाइज कोर्सेज का जो भी इंटेक है, मतलब कितने सीटें कौन कॉलेज में बची हुई है, वो 8 तारीख को ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिफ्रेंस डालना होगा। ठीक है, जब पोर्टल पे आप प्रिफ्रेंस डालने जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, जो जो कॉलेजेस में सीटें बची हुई हैं वही कॉलेजेस का दिखेगा। हो सकता है कुछ कॉलेजेस की सीट भर गई हो तो वहाँ पर आपको प्रिफ्रेंस में दिखने को ना मिले। ठीक है, ये मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया, वो आप शेड्यूल वाला वीडियो देखो। ठीक है, जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं, तो देख सकते हो आप कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ये आप यहाँ पे देखो, ठीक है, 8 से 17 अगस्त के बीच में आपका खुलेगा। तो इसमें इन्होंने ये यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है एप्लीकेंट्स इन द मॉप ऑफ राउंड फेज फ्रॉम। ठीक है, तो जो एप्लीकेंट्स होंगे मॉप ऑफ राउंड में, जो भी फेज़ टू आपका होने वाला है, तो उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ये आप समझिए। तो पहला इन्होंने ये बोला है फ्रेश एप्लीकेंट्स। ठीक है, यानी फ्रेश एप्लीकेंट्स का मतलब क्या हुआ, वैसे कैंडिडेट जो स्टार्टिंग में जब आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, जब फेज़ वन से पहले आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया था, लगभग 15 दिनों का वक्त दिया गया था फॉर्म फिलअप करने का, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं किए। अब क्या था कि फॉर्म का डेट एंड हो गया और काफ़ी लोग रह गए, तो ऐसे कैंडिडेट अगर अभी तक फॉर्म आप फिलअप नहीं किए हो तो आपके लिए एक लास्ट मौका दिया जाएगा, फ्रेश एप्लीकेंट्स आप अप्लाई करना। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप प्रोसेस, वो वाला वीडियो आप देख लो पहले ही। 8 तारीख को जैसे ही स्टार्ट हो तो वैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेना। ठीक है, उसमें मैंने प्रिफ्रेंस से रिलेटेड बात किया है, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड बात किया, क्या क्या चीज़ों को अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में बात किया है, तो वो चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, और उसके बाद दूसरे कौन कौन होंगे, मतलब कि वैसे कैंडिडेट जो मतलब रजिस्टर कर दिए थे। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि फेज़ वन में ही उन्होंने रजिस्टर कर लिया था और उनको मतलब कोई सीट नहीं मिली थी। ठीक है, ए पॉइंट में इन्होंने ये बोला वी आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन फेज़ वन, और उन्होंने मतलब रजिस्टर कर दिया था और उनको क्या हुआ था कि सीट ही अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो मतलब प्रिफ्रेंस डाले ही नहीं थे तो उनको कोई अलॉट ही नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने प्रिफ्रेंस तो डाला, ठीक है, एक लिमिटेड प्रिफ्रेंस डाला, और मान लीजिए 2 को 3 जो भी था उन्होंने प्रिफ्रेंस किया, पर उनको क्या हुआ कि नाम आया ही नहीं फेज़ वन में, उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बी पॉइंट में इन्होंने ये बोला कैंसिल्ड दियर एडमिशन इन फेज़, तो वैसे कैंडिडेट जिनको मान लीजिए सीट मिल गया, ठीक है, अब वो क्या हुआ कि सीट तो मिल गया, उनको वो सीट नहीं चाहिए था, मतलब कि उनको मनपसंद का मिला नहीं, बाद में उन्होंने जो टाइम दिया गया था, हालांकि इन्होंने बोला भी कि आप विड्रॉल ले सकते हो, एक टाइम इन्होंने बोल रखा था, तो उन्होंने विड्रॉल ले लिया, एडमिशन को कैंसिल कर लिया, तो वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो अब उनको क्या है कि
अप्लाई करने के लिए एक अलग से प्रिफ्रेंस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो मोटा मोटी ये समझिए कि करंट में आपके पास कोई सीट नहीं रहना चाहिए। अगर आप एडमिशन कैंसिल नहीं किए हो, अगर आपके पास अभी भी सीट है, तो अब आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि एक के टाइम था आपका जो कैंसिल करने का। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि कब तक आप कैंसिल कर सकते थे। वेट अ मिनट, यहाँ पर था ना एक शेड्यूल, हाँ यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे देखोगे ना खोल के, तो वहाँ पे 6 तारीख का ही टाइमिंग दिया गया था, शाम के 4 बजे तक। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो वो जो कैंसिल कर दिए हैं वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद और लास्ट है, लास्ट वैसे कैंडिडेट, ठीक है, जिनको कोई सीट अलॉट हो गया था, कोई भी कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन मिल गया था, और उन्होंने किसी कारण से उनका डेडलाइन का पता नहीं था कि इस डेट के अंदर में उनको फ़ीस जमा करना था, उन्होंने फ़ीस ही जमा नहीं किया, या उनको जो कोर्स मिला था वो कोर्स चाहिए ही नहीं था, तो उन्होंने छोड़ दिया वैसे के वैसे, और वो सोचे कि अब मतलब देखते हैं, बाद में देखते हैं कहीं मिल जाए। तो पर क्या हुआ कि जो लोग फ़ीस जमा किए थे वही एलिजिबल हो जाते हैं अगले अपग्रेडेशन राउंड के लिए, तो उनको अभी तक उनके पास सीट नहीं था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट बताया वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, मैंने वन बाई वन सब चीज़ बता दिया। ठीक है, तो आप वेट करो, कल आपका खुलने वाला है आपका। ठीक है, 8 से 17 के बीच में आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, जिनको फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं, और जिनको ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे वो भी अपना प्रेफरेंस, फ्रेश प्रेफरेंस अपना डाल सकते हैं। ठीक है, होप यहाँ तक समझ में आ चुकी है। और एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट मोड में थोड़ा सा आप समझ लो। एक तो वैसे कैंडिडेट होंगे जो मतलब कि क्या हुआ कि फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे। एक वैसे कैंडिडेट होंगे जो मतलब रजिस्टर कर लिए थे पर उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था फेज वन में, वो भी हो जाएंगे। उसके बाद जिन्होंने सीट कैंसिल कर दिया था और उन वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और वैसे कैंडिडेट लास्ट में वैसे कैंडिडेट हो जाएंगे जिनको सीट अलॉट हो गया था पर उन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया था। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। बाकी मैंने काफ़ी वीडियो में मैंने बताया इससे रिलेटेड, तो आप रेगुलर हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं फिर कल, जैसे ही आप लोगों का खुलता है, फेज 2 खुलता है, तो उसमें काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, और यहाँ पे एक ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा। ठीक है, एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अपडेट मिलता है, ताकि आपको कोई जानकारी मिस ना हो। तो आप रेगुलर रहो और रेगुलर फॉलो करो, मैं जैसे जैसे आपके लिए जो भी कॉन्टेंट डाल रहा हूँ उसको आप आराम से देखो, हो जाएगा। ठीक है, शुरू से जब से ओपन हुआ है तब से अभी तक मैं रेगुलर आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप कर लो जो भी करना है। ठीक है, तो होपफुली जिनको जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिनको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, होपफुली आप सभी का मिले, मेरा यही शुभकामना है आपके लिए। बाकी देखते हैं जिनको जिनको मिलता है, जिनको जिनको नहीं मिलता है, अब कोर्सेस और कॉलेज के ऊपर है, कितनी सीटें वहाँ पे अवेलेबल है, अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप प्रेफरेंस डालोगे। ठीक है, जब भी प्रेफरेंस खुले तो ये ध्यान रखिएगा मैक्स टू मैक्स प्रेफरेंस डालो। ठीक है, आपके पास लास्ट मौका है, जो भी कोर्सेस चाहिए टॉप में डालो, उसके बाद जो कोर्सेस मतलब थोड़ा सा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो भी डाल लो, एटलीस्ट आपका ईयर तो बर्बाद नहीं होगा ना। अब ऐसे मतलब पोजिशन पर आप हो कि आपका लास्ट चल रहा है एडमिशन, ठीक है, इसके बाद आपका कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जैसे खुलता है तो मैं बताता हूँ आपको, बाकी ये चीज़ें समझ में आ चुकी है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ख्याल रखिए अपना।